नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्वेटर सड्डा पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत काफ़ी 2-3 दिन हो गए मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था। उसका एक कारण था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अगर बेमन से पढ़ाने का मतलब है कि थोड़ा सा अगर तबीयत सही हो जाए तो अच्छे से होकर पढ़ाते हैं हम, ठीक है। और सबसे पहले और उसके बाद मैं आपको जो है थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। थैंक यू इसलिए क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, अपने बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत स्नेह कर रहे हैं, बहुत वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए मेहनत तो काफ़ी लगती ही है, तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए आप वीडियोज़ को। इससे क्या होगा कि जितना शेयर करोगे लोगों को तक ज़्यादा पहुँच होगी, लोग इससे सीख पाएंगे। ज्ञान जो कि जो फ्री है तो क्यों इसको बेमतलब का करना, सब जगह जो है बिल्कुल पास ऑन करिए इस चीज़ को। चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्रोमेटोग्राफी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पार्ट है। ये टॉपिक आपके जीपैट हो, नाइपर हो, डीआई एग्जाम कहीं भी पूछा जाता है। तो आज से मैं खुशखबरी की बात ये है कि मैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी स्टार्ट कर दिया हूँ। बहुत जल्द से जल्द आपको माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस भी मिलने लगेगी, बहुत से जल्द आपको कोग्नोसी भी क्लासेस मिलने लगेगी। सो स्टे ट्यून्ड। सो स्टार्टिंग विद द क्रोमेटोग्राफी, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, क्या है, यहाँ से ये पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे और इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं आज के क्लास में। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, व्हाट इज रिवर्स फेज, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाए जीपैट में कि व्हाट इज रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी हम समझेंगे, कॉलम के बारे में समझेंगे, आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट, यहां से भी क्वेश्चन आपके जीपैट में बनते हैं। व्हाट इज आइसोक्रेटिक इल्यूशन में, आइसोक्रेटिक क्या होता है, ग्रेडियंट इल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट समझने वाले हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी जब भी किसी टॉपिक को आपको पढ़ना हो तो जस्ट डू द पोस्टमार्टम ऑफ दैट टॉपिक, मेरी भाषा में पोस्टमार्टम का मतलब इसको ब्रेक करो आप। तो इसको जब ब्रेक करोगे तो दो वर्ड आपको समझ में आएगा, क्रोमा और ग्राफिक्स। इससे पहले कि मैं पढ़ाऊँ थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो पूरे नोट्स के लिए, लास्ट में खाच पाच बहुत हो जाता है, ठीक है। तो क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर। ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक वर्ड है इसका क्रोमा, दूसरा वर्ड है ग्राफिक्स। क्रोमा का मतलब होता है कलर, ग्राफिक्स का मतलब होता है राइटिंग। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब एग्जैक्टली हम समझते हैं कि ये क्रोमेटोग्राफी है क्या, वास्तव में है क्या क्रोमेटोग्राफी, क्यों पढ़ते हैं हम क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी की अगर डेफिनेशन पे जाओगे, क्योंकि एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो समझना ही आपको। सो डेफिनेशन क्या कहती है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इंटू इंडिविजुअल कंपोनेंट। यानी क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है, इट्स अ टेक्निक, या क्रोमेटोग्राफी कैन बी डिफाइंड एज सेपरेशन, क्रोमेटोग्राफी कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, तो ये मिक्सचर कहां से हो गया, और ये वर्ड आप ध्यान से देखो, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कह सकते हो इट्स अ सेपरेशन टेक्निक, यहां पे लिख दो सेपरेशन टेक्निक। तो क्रोमेटोग्राफी आपकी क्या है, सेपरेशन टेक्निक है, चीजों को अलग करती है। अब कॉम्प्लेक्स मिक्सचर क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर आपका बहुत सारी चीजों का हो सकता है, जैसे हर्बल एक्सट्रैक्ट हो सकता है, टैबलेट्स हो सकते हैं। जब आप किसी प्लांट से किसी उसके पार्ट से कंपोनेंट निकालते हो, एक्टिव इंग्रेडिएंट हर्बल ड्रग्स, तो उसमें कई मिक्सचर होते हैं, आपको अलग अलग मिक्सचर को सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो उसके काम में कौन सा आएगा, क्रोमेटोग्राफी, वहां से इसको सेपरेट आउट करोगे। टैबलेट्स में आपने डाइलवेंट मिला दिया, डिसइंटीग्रेंट मिला दिया, लुब्रिकेंट मिला दिया, अगर उन सबको अलग अलग करना है, उन सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना, तो हाउ वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ वेरी एक्सपर्ट टेक्निक, दैट इज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो यानी कि इट्स अ सेपरेशन टेक्निक, यू शुड रिमेंबर, सेपरेशन टेक्निक है ये। अब और थोड़ा सा क्लियर इसके डेफिनेशन समझते हैं, ये डेफिनेशन करिए, सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन अफिनिटीज ऑफ सॉल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल फेजेस। इसमें दो इमिसिबल फेजेस होती हैं, कौन कौन सी, उसका नाम होता है स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। तो यानी कि ये क्रोमेटोग्राफी जो कि सेपरेशन पे बेस्ड है, इसमें दो फेजेस होती हैं, एक को बोलते हैं स्टेशनरी फेज, यानी कि फिक्स फेज होती है, वो कहीं हिलती डुलती नहीं है, और जो मोबाइल फेज है वो रन करती है। कैसे, जैसे ये कॉलम आप ध्यान से समझो इस चीज को, ये मैंने एचपीएलसी कॉलम का एग्जांपल लिया है। यहां से क्या करते हो, इस कॉलम से मोबाइल फेज, आपने यहां सैंपल ऑटो सैंपलर से सैंपल दे देते हो, सैंपल क्या होता है, इस कॉलम के थ्रू पास होता है। तो इसी मोबाइल फेज जो आपका सैंपल है वो किसके साथ चलेगा, वो चलेगा किसके साथ, मोबाइल के साथ। और ये जो यहां पर ये डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये क्या है,
ये स्टेशनरी फेज के पार्टिकल्स है, इनसे क्या हो रहा है आपका मोबाइल फेज और सैंपल पास हो रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो इसमें सैंपल होगा जिसकी अफिनिटी किससे होगी, इससे, इस फेज से, वहां पे जाके वो बाइंड कर जाएगा थोड़ी देर के लिए, रिटेंशन। लेकिन याद रखिएगा कि रिटेंशन हमेशा रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल नहीं होगा, यानी कि एक बार बाइंड होगा तो डिटैच नहीं होगा, होगा डिटैच, थोड़ी देर बाद ये इल्यूट हो जाएगा। और जैसे ये यहां पे बाइंड होगा, यहां पे डिटेक्टर लगा होगा, वो डिटेक्ट करने के बाद आपको एक पीक देगा। यहां पे देख रहे हो ना, छोटी सी पीक, बड़ी सी पीक, फिर ये बड़ी सी पीक आई है, ये जो बड़ी सी पीक दिख रही है आपको, तो यानी इसको बोलते हैं क्रोमैटोग्राम। एक पीक आएगी आपके पास और वो पीक आपको क्या बताएगा, रिटेंशन टाइम, कि कितना रिटेंशन टाइम, ये कितने मिनट पे पीक दिखा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो एक तो आइडिया लग गया होगा कि एक आपकी स्टेशनरी फेज है जो कि फिक्स है, इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड फेज, ठीक। और मोबाइल फेज क्या है, जो कि रन हो रही है किससे, स्टेशनरी फेज से। वैसे यहां पे आप देख रहे हो, ये सैंपल डायग्राम मैंने दिखाने की कोशिश किया हुआ है, इसमें क्रोमैटोग्राफी में क्या, एक बेड आपने लगा दिया, किसका, सिलिका का बेड लगा दिया। अब यहां से अपने मिक्सचर जो भी है उसको यहां पे इनपुट डाल दो, मिक्सर डालने के बाद क्या होगा, ये इसके साथ अफिनिटी रखता है तो बाइंड हो जाएगा जाके। और डिफरेंट डिफरेंट यहां पे देखो ब्लैक कलर का, यानी कि ये अलग कंपोनेंट है, अलग कलर से दिखाने का मतलब दिस वन इज ए कंपोनेंट, मान लो ए कंपोनेंट, दिस वन इज बी कंपोनेंट, यानी कि अलग अलग कंपोनेंट कलर के बेसिस पर सेपरेट हो गए, वो आपको अलग अलग कलर बाइंड दिख रहे हैं, तो आपको इजिली समझ में आ गया कि ये अलग कोई कंपाउंड है, ये कोई अलग कंपाउंड है। तो यहां पे देख रहे हो क्या हो रहा है कि शो हो रहा है कैसे, कलर, कलर के फॉर्म में देखो कलर बैंड डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं। तो ये सिंपल क्रोमैटोग्राफी समझने का डायग्राम है, ये थोड़ा सा एडवांस टेक्निक आ गई है HPLC, जिसको आप नाम सुनते होंगे, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। चलिए सब समझेंगे, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब जब दो मिसिबल फेजेज होती हैं, अब यहां पे देखो ध्यान रखिए ये वर्ड लिखा हुआ है अफिनिटीज, तो किसकी अफिनिटी, इसमें जो सैंपल है इस सैंपल की अफिनिटी इस स्टेशनरी फेज से होनी चाहिए, तभी जाके ये रिवर्सिबल बाइंडिंग होगा, इरिवर्सिबल बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, रिवर्सिबल बाइंडिंग, ताकि थोड़ी देर बाइंड हो फिर डिटेक्टर्स को डिटेक्ट करके पीक बताए, रिटेंशन वाली बताए, ये सारी चीजें बताए, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर एल्यूट हो जाए इसमें फेज में, वो इसमें रुकना नहीं चाहिए, एल्यूट हो जाना चाहिए उसको, चलो ठीक है। सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द अफिनिटीज ऑफ सल्यूट, सल्यूट कौन सा, जो आपने सैंपल डाला, जो ये मिक्सचर आपने यूज किया उसमें का सल्यूट, ठीक है, बिटवीन टू इमिसिबल फेजेस। अब दो इमिसिबल फेजेस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज। अब ये जो मोबाइल फेज जिसके साथ सैंपल आप रन कर रहे हो, वो क्या इसके साथ मिसिबल हो रहा है, नहीं, मिसिबल हो जाएगा फिर सेपरेशन कैसे होगा, इसीलिए वर्ड लिखा गया है टू इमिसिबल फेज। अब समझते हैं, पहले स्टेशनरी फेज, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज क्या होती है, फिक्स होती है, कोई हिलना डुलना चलना नहीं होता, इसको लिखा होता है फिक्स बेड ऑफ लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है। अब इसकी शर्त क्या होती है कि ये जो पार्टिकल्स है ना, ये होमोजीनियस होना चाहिए, एक साइज के होना चाहिए, छोटे छोटे होना चाहिए, ताकि इक्वली सैंपल यहां से पास हो जाए। इट शुड बी होमोजीनियस, इट शुड बी फाइन, इट शुड बी इक्वल, ये क्राइटेरिया है इसकी, ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए। पोरस आपके होने चाहिए, पोरस होगा तभी तो यहां से पास होगा, अगर बहुत ज्यादा स्टिक होंगे एक दूसरे के साथ तो कैसे ये मोबाइल फेज रन करेगी, ठीक है। तो चल कौन रहा है, मोबाइल फेज, इसीलिए मोबाइल फेज को डायनेमिक इन नेचर बोलते हैं। मोबाइल फेज क्या होती है, फ्लूड होता है जो मूव थ्रू करता है, किसके थ्रू, कॉलम के थ्रू, इसीलिए मोबाइल, मोबाइल मतलब चल रहा है, कहते हैं ना कि मोबाइल ATM, मोबाइल वैन, जब COVID-19 के लिए मोबाइल वैन चलाई जा रही थी सरकार की तरफ से, यानी कि वो जगह जगह गली गली नुक्कड़ पे चेक कर रही थी COVID-19 को, इसीलिए उसका नाम मोबाइल, यानी कि मूव कर रहा है, क्योंकि फ्लूड दैट मूव्स थ्रू उसको बोलते हैं। अब स्टेशनरी फेज क्या है कि फिक्स फेज है, एक बेड होता है, फिक्स बेड ऑफ लार्ज सरफेस, आप देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स है तो सरफेस एरिया का बड़ा ज्यादा नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं फिक्स बेड ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट्स, ठीक है, चलिए। और ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है ये याद रखिएगा कि जो स्टेशनरी फेज जो कि फिक्स है, वो आपकी क्या क्या हो सकती है, वो आपको याद रखना, सॉलिड हो सकता है और लिक्विड हो सकता है, गैस नहीं होता है फिलहाल, तो अभी गैस नहीं है, सॉलिड और लिक्विड। आपकी स्टेशनरी फेज हमेशा क्या होगी, या तो सॉलिड होगी या तो लिक्विड होगी, इस बात को आपको याद रखना चाहिए। आप कहोगे साहब लिक्विड कैसे होगा, तो लिक्विड क्या होता है कि कोटेड इन अ थिन लेयर ऑफ इनर्ट सपोर्टिंग मटेरियल, जो लिक्विड है उसको कोट कर दिया जाएगा, लिक्विड के ऊपर एक लेयरिंग हो जाएगी इनर्ट सपोर्टिंग मटेरियल से, समझ गए, चलो। इसलिए यानी कि स्टेशनरी फेज हमारा सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, पूरे मैटर को देखे कन्फ्यूज मत हो, मेरी बातों को सुनो, आप जो ध्यान ध्यान से बोल रहा हूँ वो चीजें समझो। उसके बाद अब मोबाइल फेज के बारे में सुनते हैं, इसके बारे में लिखा फ्लूड दैट मूव्स थ्रू, यानी कि फ्लूड यही मूव तो हो रहा है, यानी मूवेबल है, फिक्स नहीं है मोबाइल फेज। इट कैन बी प्योर लिक्विड,
चाहे एस्ट्रोनाइट्राइल हो सकता है, चाहे मिथिनॉल हो सकता है, कोई भी मोबाइल फेज हो सकता है, कोई सॉल्वेंट होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, चाहे हेक्जेन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म इन द सेंस कि एक ही कंपोनेंट, उसमें मिक्सचर नहीं है कि एस्ट्रोनाइट्राइल और वाटर मिला दिया, एस्ट्रोनाइट्राइल मिथिनॉल मिला दिया, ऐसा नहीं है, खाली एक ही कंपोनेंट उसमें एस्ट्रोनाइट्राइल या मिथिनॉल। या फिर क्या हो सकता है, ये मोबाइल फेज की बात कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सचर हो सकता है किस चीज का, बफर, यानी कि बफर्स को भी हम मोबाइल फेज यूज करते हैं। तो अगर एग्जाम में सेंटेंस आए, स्टेटमेंट आए कि बफर्स कैन बी यूज एज मोबाइल फेज, यस डेफिनेटली इट्स अ ट्रू ऑप्शन, सो मार्क द ऑप्शन एज ट्रू, इस तरीके से आपको लिखना है बफर्स। और मिक्सचर कैसे, कभी कभी हम दो दो सॉल्वेंट का मिक्सचर यूज करते हैं, जैसे एस्ट्रोनाइट्राइल वाटर का यूज किया था मैंने अपने एम फार्मा के टाइम पे, जब एचपीएल से चलाता था मैं, तो क्यों, क्योंकि पीक उससे एस्ट्रोनाइट्राइल के साथ देखा गया है कि जब वाटर को मिक्स किया जाता है तो पीक आपकी शार्प आने लगती है, ठीक है। और उसके साथ अगर शार्प नहीं आ रही है, जो पीक है, पीक शार्प का मतलब कि ऐसे आ रही है, ऐसे बहुत टेढ़ी सी ब्रॉड सी पीक आएगी, तो नहीं समझ में आता उसको, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना होता है, बहुत शार्प पीक ऐसे आनी चाहिए, उसके लिए आप क्या करते हो, फॉर्मिक एसिड इसके साथ मिला देते हो, यानी कि एस्ट्रोनाइट्राइल वाटर और फॉर्मिक एसिड मिला दिया आपने कुछ परसेंट, 5%, 2%, तो आपकी पीक शार्प आने लगी। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा मिटाता हूँ वरना खाच पाच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना है आपको सारी चीज़ें। ये आपने समझ लिया कि मोबाइल फेज क्या होती है, स्टेशनरी फेज क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्या है। अब समझते हैं कि क्रोमेटोग्राफी की जरूरत क्यों पड़ी, तो जरूरत आपको लग गया होगा, सेपरेट आउट करना है, तो यहां से हम समझते हैं जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हैविंग वन और मोर, यहां वन और मोर होगा, मोर मेडिसिनली एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक या एक से ज्यादा, उनको सेपरेट आउट करना है। एक से ज्यादा कोई सेपरेट करेंगे, एक होगा तो उसको सेपरेट करने की क्या जरूरत है, एक से ज्यादा को हम सेपरेट आउट करने करेंगे। और कहां पे, हर्बल एक्सट्रैक्ट, जितने भी हर्बल प्लांट से आप निकालते हो उसमें कई सारे कंपोनेंट हो सकता है, यूजेनॉल भी उसमें हो सकता है, कोई और भी कंपोनेंट होता है उसमें, तो वो सारे कंपोनेंट आपको अलग करना पड़ता है, टैबलेट्स वगैरह एक एग्जांपल मैंने दिया। वहीं ये मिक्सचर का हम सेपरेशन, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का सेपरेशन कर रहे हैं, वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सैंपल यूज करते हैं, ध्यान रखिए वर्ड बायोलॉजिकल सेंटेंस, ये बायोलॉजिकल, अगर बायोलॉजिकल सैंपल्स जैसे डीएनए हो, तो डीएनए को अगर सेपरेट करना होगा तो हम कौन सी टेक्निक अपनाएंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी आपका जीपैट का सवाल है कि डीएनए इज सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक, मार्क दिस टेक्निक। जब कॉम्प्लेक्स मिक्सचर सिंपली हर्बल का होगा या फिर दूसरा होगा, तो उसको हम अपनाएंगे क्रोमेटोग्राफी, बट इन केस ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, प्लीज रिमेंबर दैट। चलिए, तो जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सेपरेट आउट करना हमें, मेन जरूरत हमारी यही है। कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने समझ लिया, स्टेशनरी फेज क्या है वो समझ लिया, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज में क्या हो सकता है कि आपका लिक्विड होगा, वो जनरली आप देखते हो ना, लिक्विड भी हो सकता है। और यहाँ पर ये जो मोबाइल फेज है, ये आपकी प्योर लिक्विड भी हो सकती है, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, गैस यहाँ पे लिखा हुआ प्योर एंड होमोजेनियस। यानी कि एक चीज आपको याद रखना चाहिए कि जो स्टेशनरी फेज होती है, सॉलिड और लिक्विड दो ही होती है, नो गैस, तो यहां लिख सकते हो गैस नहीं होता है किसमें, स्टेशनरी फेज में। और वहीं अगर मोबाइल फेज में देखो, तो देखो लिक्विड भी है, सॉल्यूशन भी, गैस भी है। मोबाइल फेज अगर सॉलिड होगा तो मूव करेगा ही नहीं, तो टोटली अंडरस्टूड है कि यहां सॉलिड तो होगा ही नहीं, मोबाइल फेज में कोई चीज मूव कब करेगी, जब लिक्विड होगी या गैस होगी, सॉलिड होगी तो कहां मूव करेगा, वो तो फिक्स हो जाएगी, इसलिए यहां पे सॉलिड नहीं होगा आपका, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। चलिए, मार्कर थोड़ा सा, शर्ट मेरा खराब हो गया, कोई बात नहीं है, आपके लिए क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चलिए ये समझते हैं हम लोग। उसके बाद अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन होता है क्रोमेटोग्राफी का, वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर होता है, नेचर ऑफ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज का, मोबाइल फेज का नेचर क्या है, उस बेसिस पे इसको ध्यान से ही देखिएगा, बहुत अच्छे से समझना, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। आप थोड़ा ध्यान से इसको देखना है, चलो कैसे ध्यान से देखना आपको, समझते हैं जरा। अब स्टेशन मैंने कहा कि नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, तो आपने बाइफर्केट कर लेना, स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज, रट्टा नहीं मारना है, समझना है मेरी क्लास में, इन्वर्टर सट्टा का मतलब यह है कि इन्वर्टिव तरीके से समझना आपको। और स्टेशनरी फेज मैंने बताया कि या तो सॉलिड हो सकता है या तो लिक्विड हो सकता है, तो अगर स्टेशनरी फेज आपका सॉलिड है और स्टेशनरी फेज लिक्विड है, अगर आपका स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो उसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन, कोई पार्टिकल है उसके ऊपर ये चीजें एडजॉर्ब हो रही है सरफेस पे, इट्स अ सरफेस फिनोमिना,
उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, डी लगा हुआ ये डी एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में आपका गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अगर आपसे पूछा जाए टीएलसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो क्या बताओगे आप? एडजॉर्प्शन, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ एडजॉर्प्शन टेक्निक। ऐसे ही सवाल आते हैं आपके जीपैट नाइपर में। तो जब कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो अपने आप सवाल लगा लोगे, हल कर लोगे। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जितना बेहतरीन मैं कोशिश कर रहा हूं, शायद ही आपने कहीं पढ़ा होगा क्रोमेटोग्राफी। चलिए अब उसके बाद अगर स्टेशनरी, अभी तो हम स्टेशनरी फेज की बात कर रहे हैं, अगर स्टेशनरी फेज आपका सॉलिड है तो उसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एग्जाम्पल मैंने बता दिया क्या, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी टीएलसी, और एक और एग्जाम्पल लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो ये वर्ड लिखा मोबाइल फेज कंटेनिंग डिजॉल्व सॉल्यूट्स, डिजॉल्व सॉल्यूट्स यहां पे पास थ्रू द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज, सरफेस के स्टेशनरी फेज से पास हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं ये किस पे बेस्ड है, एडजॉर्प्शन। और मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि एचपीएलसी का कॉलम है, तो एचपीएलसी देखो कहां है, एडजॉर्प्शन। लेकिन याद रखिएगा कि एडजॉर्प्शन जो है एचपीएलसी एडजॉर्प्शन पे भी काम करता है, पार्टीशन भी काम करता है, कैसे भी समझा रहा हूं आपको। अब यहां पे स्टेशनरी फेज सॉलिड था, अभी मैंने कहा कि स्टेशनरी फेज या तो सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है, तो सॉलिड की हमने बात कर ली, किस पे बेस्ड होता है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी या व्हाट इज द प्रिंसिपल, एडजॉर्प्शन। वहीं अगर स्टेशनरी फेज, अभी स्टेशनरी फेज की बात कर रहा हूं मैं, स्टेशनरी फेज अगर लिक्विड है तो लिक्विड में आपका उसको बोलेंगे पार्टीशन, जैसे इसको एडजॉर्प्शन बोले तो वैसे इसको बोलेंगे पार्टीशन। पार्टीशन किसके बीच होता है, लिक्विड लिक्विड के बीच, तो पार्टीशन कोएफिशिएंट। और उसमें आपका गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी, देखो एचपीएलसी इसका भी पार्ट, एचपीएलसी इसका भी पार्ट है, और पेपर क्रोमेटोग्राफी। कहोगे सर ये पेपर्स होते हैं, लेकिन जो पेपर्स, पेपर कैसे हो जाएगा, पेपर में तो स्टेशनरी फेज सॉलिड है, लेकिन पेपर में आपको याद हो कि कुछ उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एंट्रैप होते हैं, वो लिक्विड की तरह काम करते हैं, इसीलिए उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी को हमने किस में रखा हुआ है, पार्टीशन में। तो याद रखिएगा ये कंफ्यूजन हो सकता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द पार्ट ऑफ स्टेशनरी फेज हैविंग द लिक्विड नेचर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन पे है। और याद रखिएगा ये जो एचपीएलसी है इट इज एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन एज वेल एज पार्टीशन, दिस यू शुड रिमेंबर, देयर इज अ स्टिल कंफ्यूजन, आपको रिमेंबर होना चाहिए चीज। अब वही ये तो स्टेशनरी फेज की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोई लिक्विड फेज भी तो होगी, मोबाइल फेज। तो अगर यहाँ पर लिक्विड फेज में, अगर मोबाइल फेज में हम यहाँ लिक्विड यूज कर दें, इस वाले इसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे स्टेशनरी फेज लिक्विड है, और अगर हम मोबाइल फेज भी लिक्विड कर दें, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जब यहाँ पे स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड दोनों लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो लिक्विड है, और अगर ये गैस यूज कर दिया जाए, क्योंकि मोबाइल फेज हमेशा क्या होता है, या तो लिक्विड होता है गैस होता है, मैंने आपको यहाँ बताया सॉलिड नहीं हो सकता मोबाइल फेज, मूव नहीं करेगा। तो जब यहाँ पे लिक्विड है तो लिक्विड स्टेशनरी फेज लिक्विड है, मोबाइल फेज लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, रट्टा नहीं मारना समझना। यहाँ पे क्या है, अब ये जैसे ये लिक्विड है और यहाँ पे इसका मोबाइल फेज इसके साथ कौन सा यूज हो रहा है, गैस, क्योंकि स्टेशनरी फेज की बात कर रहे हैं, तो गैस लिक्विड जीएलसी, ठीक है आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मोबाइल फेज में, तो मोबाइल फेज में अगर लिक्विड आपका, मोबाइल फेज लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, तो जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस में गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ये कुछ मिसलेनियस क्रोमेटोग्राफी के नाम है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासिफिकेशन आपको समझना है, और जब तक ये क्लासिफिकेशन नहीं समझोगे कभी भी आप क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल नहीं लिख पाओगे, इसलिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। चलो ये चीज़ आप समझ लिया आपने। अब एक सवाल जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सा पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्ट आप समझो, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट कलर बैंड्स के थ्रू सेपरेट आउट हो रहे थे, इससे हमें इजिली पता लग जा रहा है। लेकिन ये सब क्या आप सोच पा रहे होंगे कि क्या ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, किसने दिया होगा? एक रशियन बॉटनिस्ट थे माइकल स्वेट, 1920 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था क्रोमेटोग्राफी का। उन्होंने क्या किया कि इस टेक्निक को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको, प्लांट कंपोनेंट्स को अलग किया, क्लोरोफिल को, उसके पिगमेंट को, क्लोरोफिल पिगमेंट को, कैरोटीन को, इन सबको अलग किया उन्होंने, माइकल स्वेट ने, TSWEET माइकल स्वेट। अब और एक सवाल पूछते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपके, ये नॉर्मल फेज की, व्हाट इज नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। तो ये नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी हमेशा आपके स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज के, जब आपकी स्टेशनरी फेज पोलर हो, याद रखिए पोलर वाटर सॉल्युबल, यानी कि वाटर हो, सिलिका हो, मिथेनॉल हो,
तो जब आपका स्टेशनरी फेज पोलर हो और मोबाइल फेज नॉन पोलर हो, जैसे कि हेक्सेन या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल फेज। और उसी का उल्टा जस्ट रिवर्स, इसलिए तो इसका नाम लिखा गया है रिवर्स, यानी कि ये जो चीजें हैं ये उलट जाएंगे, यानी कि यहां पे स्टेशनरी फेज पोलर था, अब स्टेशनरी फेज यहां पे नॉन पोलर हो जाएगा, तभी तो इसका नाम पड़ेगा रिवर्स फेज। रिवर्स फेज क्यों बोलूंगा, फेज को रिवर्स कर दिया गया। कैसे रिवर्स कर दिया गया, यहां पे स्टेशनरी फेज पोलर थी, अब यहां पे स्टेशनरी फेज देखो नॉन पोलर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, और मोबाइल फेज पोलर। तो अब देखो बड़ा कंफ्यूजन होता है कहां पोलर कहां नॉन पोलर। तो भाई साहब एक एक काम करिए, आप खाली नॉर्मल को याद रखिए, रिवर्स अपने आप याद हो जाएगा। ये ट्रिक है आपका, जब कोई चीज दो चीज में कंफ्यूजन हो तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इट विल अवॉइड योर कंफ्यूजन। तो नॉर्मल फेज में क्या होता है, स्टेशनरी फेज पोलर होता है, ये बात आपको याद रखनी है, उसमें वाटर सिलिका मिथेनॉल। मोबाइल फेज में नॉन पोलर होती है। अब रिवर्स अगर कोई बोले तो आपको याद है कि स्टेशनरी फेज पोलर होता है, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, स्टेशनरी फेज नॉन पोलर हो जाएगा, और नॉन पोलर में आपका ODS यूज होता है। अब ODS का फुल फॉर्म ढूंढ लीजिएगा क्या होता है, थोड़ा अपना भी एफर्ट करिए, ठीक है। ये सारी चीज समझ में आ गए। ये आपका HPLC कॉलम है C14, कार्बन 14 कॉलम है। इस तरीके से जब आप HPLC यूज करोगे तो ये आपको दिखेगा, इसमें रिटेंशन टाइप। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात वो आती है, वो हम समझते हैं कि एल्यूशन टेक्निक क्या होती है। देखो एल्यूशन यानी कि यहां से जो सैंपल है मोबाइल फेज है वो किसके साथ एल्यूट हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो एक होता आइसोक्रेटिक, एक होता ग्रेडिएंट। आइसो का मतलब सेम, यानी कि एल्यूशन तब सेम हो, यानी कि जब कोई सैंपल रन कर रहा हो तो मोबाइल फेज कंपोजिशन शुड बी सेम। अगर मोबाइल फेज कंपोजिशन सेम है आपका, दैट इज कॉल्ड एज आइसोक्रेटिक ड्यूरिंग द रन। और अगर मोबाइल फेज का कंपोजिशन चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेडियंट। कैसे, जैसे मान लो कि 5 मिनट तक मैंने सैंपल रन किया 70-30 के रेशियो पे चल रन किया, फिर 5 मिनट बाद 60-40 पे कर दिया, फिर 50-50 पे कर दिया, यानी कि ड्यूरिंग द रन आई एम जस्ट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ मोबाइल फेज, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। वेन वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द कंपोजिशन ड्यूरिंग द रन, दैट इज कॉल्ड एज आइसोक्रेटिक, या सेम होना चाहिए। अब हम लास्ट में समझ लेते हैं कि कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेज किसके क्रोमेटोग्राफी के। देखो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव, कहीं भी टूट फूट वाली चीजें आ रही है, कोई डिस्ट्रक्शन का काम आ रहा है सैंपल्स को, कहीं आप चेंज करो कुछ भी करो, कुछ नहीं कर रहे हो आप, सो देयर इज नो डिस्ट्रक्शन एट ऑल। सबसे कम एनालिटिकल टाइम लगता है, क्यों, क्योंकि बहुत जल्दी सैंपल इससे एलिमिनेट आउट हो जाता है और जल्दी से डिटेक्टर्स के थ्रू डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो लेस टाइम। अब कुछ किसी भी टेक्निक के फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, तो थोड़ा सा नुकसान क्या है इसका कि लिमिटेड है ये। लिमिटेड के सेंस में है, जो ये सैंपल है अगर ये वोलेटाइल इन नेचर हो जाएगा, उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो किसको आप रन करोगे, किसको इवेल्युएट करोगे। सो सैंपल अगर वोलेटाइल है तो वहां पे HPLC लिमिट हो जाती है, वहां पे लिमिटेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, क्या नीड है उसकी सारी चीज डिस्कस कर ली, ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से डिस्कस किया, और ये नॉर्मल फेज रिवर्स फेज क्या था वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये सारी चीजें वी हैव डिस्कस्ड, ये हमने डायग्राम भी डिस्कस किया, आइसोक्रेटिक ग्रेडियंट क्या होता है, दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड, और ये लास्ट में एडवांटेज डिसएडवांटेज। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आएगा, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, आपसे रिक्वेस्ट हाथ जुड़ के, क्यों, क्योंकि इस लेक्चर को लाने के पीछे काफ़ी रिसर्च करनी होती, काफ़ी चीज़ें इतनी आसान भाषा में आने के पीछे काफ़ी मेहनत होती है, फिर वीडियो को एडिट करो, तो आप लोग के लिए लिए ही है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बिल्कुल बिंदास पढ़ते रहो। तो आज एनालिसिस की शुरुआत हो गई है क्रोमेटोग्राफी से, जल्दी बहुत जल्दी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक भी पढ़ाऊंगा, और बहुत ही जल्द आपकी वीडियोस आने वाली है फार्माकोग्नोसी पे भी, माइक्रोबायोलॉजी पे भी, क्यों, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर हमारा 2 महीने बाद GPAT का एग्जाम है। और तो और सबसे खुशखबरी की बात यह है कि मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल एकदम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चालू कर रखी है, आप उसको प्लीज अटेम्प्ट करें जब भी लिंक आपके पास शेयर आए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा जब बेल आइकन प्रेस करोगे, अदरवाइज मुझे बार बार आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी स्टडी रेगुलर चलती रहे, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बिल्कुल बिंदास रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस कोरोना के टाइम में अपने आप को सेफ रखिए, ठीक है, सेफ रखना बहुत जरूरी है अपने आप को। चलिए अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।